अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे से, और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। तो आज ईद का दिन है और अभी मेरा सारा माशाल्लाह से सारा काम हो गया, शिरखुरमा भी बन गया और मेरे हस्बैंड और अदियान चले गए नमाज के लिए। अभी मैं भी जाके नहाने जा रही हूँ, फिर नमाज़ पढ़ूँगी और उसके बाद चेंज करके फिर आप लोगों को मिलूँगी। तो ये रखो मेरी फ्रेंड, मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। रात को मुझे 1:30 बज गया, इसमें मैं कल शूट भी नहीं कर पाई बिल्कुल भी। चांद रात का जो व्लॉग है मैं बना ही नहीं पाई, क्योंकि क्या हो रहा था ना, एक्चुअल में इतना सारा काम था, मुझे अकेले हाथ से करना था, तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा था मैं क्या क्या करूँ। तो फिर मैं बोली जाने दे, अभी ब्लॉग को रखती हूँ साइड में, क्योंकि थोड़ी सफाई बाकी थी, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स का खोपरा वगैरह खींचना बाकी था, फर्नीचर साफ़ करना बाकी था, फिर मेरा मेहंदी थी, खाना बनाना, इफ्तारी, तो इतना सब मुझे बर्डन था, तो मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई। तो खुश नहीं, आज मैं शूट कर रही हूँ। तो आज ईद है और माशाल्लाह से सब अच्छे से ईद बनाए, और प्लीज़ अपनी दुआओं में हमको और हमारी पूरी फैमिली को याद करो। तो चलो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या बनाई हूँ। सारा काम हो गया है, तो यहाँ मैंने बनाई हूँ देखो शिरखुरमा, और माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया, एकदम येलो। और यहाँ पर अभी मैं बनाऊँगी ये जो है ना रगड़ा, तो ये मैं नहाकर नमाज पढ़ने के बाद बनाऊँगी, और इसमें मैं तेल निकाल के रखूँ, समोसे भी फ्राई करूँगी, ठीक है। और ये देखो सब माशाल्लाह से सब क्लीन हो गई है मेरी, तो अभी मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो चलो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ नहाने को, और फिर उसके बाद मैं रेडी होकर नमाज़ पढ़ के मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो देखो फ्रेंड्स, मैं माशाल्लाह से रेडी हो गई हूँ, और ये अध्ययन भी यहाँ पर अभी नमाज से आया है, वो भी रेडी हो गया है, और दोनों आ गए नमाज से। तो अभी सब फ्रेंड्स वगैरह आए थे मेरे ईद मिलने के लिए, और इतना गर्म हो रहा है ना, आप देखो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो फ्रेंड्स हम सब की तरफ से, चलो बोलो अध्ययन, तो फ्रेंड्स हाँ ईद मुबारक। तो फ्रेंड्स हमारे और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको ईद मुबारक, है ना अध्ययन। तो अभी हम लोग है ना थोड़ा सा रेस्ट कर रहे, सब लोग आए थे ना, तो थोड़ा सा अभी आराम करेंगे। तो चलो फिर मैं आप लोगों को ना पूरा ड्रेस बताती हूँ पहले। तो ये रहा मेरा आज का ड्रेस, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। हाँ, और ये मेरी मेहंदी, मेहंदी भी बता इसको कितने बजे थे रात में, अच्छी कलर आया है ना। बहुत अच्छा है। और अजन चल तेरा भी ड्रेस बता, तेरा कुर्ता बता। आदि वाला दिया, उसको ब्लैक ही चाहिए था, मैं उसको वही बोली ब्लैक तेरे पास है शेरवानी, और हाँ ये मुझसे देखो उसने निकाल के लिया है अदियान है। ये हाथ में मेरे टच रहता है ना, रात नहीं, ये हाथ में, वो हाथ में नाम नहीं लिखते। क्यों? अच्छा लग रहा है ना अदियान। मामा यहाँ पे मेरा फेवरेट टच है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर डिनर के लिए, और आज मेरा पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहा, सब आने वाले थे और मुझे भी जाना पड़ा था बाहर। तो मैंने 7:30 बजे का लैब रखी थी, और मैं एग्जैक्टली 7:30 बजे है ना आ गई थी। थोड़ा फैन ऑफ कर, उसका आवाज़ आएगा। तो क्या हो गया ना, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था, तो मुझसे 8 बज गए और उसके बाद में वो टाइम निकल गया। फिर मैंने 8:15 बजे पूरा कोशिश करके मैं लाइव आई, लेकिन फिर आप लोगों को शायद मेरा लाइव मिला ही नहीं, तो कोई ज़्यादा मतलब मेरे सब्सक्राइबर आए नहीं। तो फिर मैं सोची कि मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना गिवअवे करूँगी इंशाल्लाह से, मतलब कल या परसों मैं उसकी अपडेट आपको ज़रूर दे दूँगी। तो प्लीज़ आप उस पर कनेक्ट हो जाओ, और प्लीज़ मेरे को सॉरी कि मैं टाइम पर, जो मैंने आपको इतने दिन से टाइमिंग दी थी और मैं खुद ही नहीं आ पाई, तो आई एम रियली रियली सॉरी उसके लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, और ये अध्ययन ने अभी उसका ड्रेस चेंज किया है सुबह में, उसको मैंने कुर्ता भी नहीं थे ना अभी। बोलो अभी देखो उसने ड्रेस पहना है, और उसने नया शूज भी लिया है ना अध्ययन। बारे बाबा, हमारा ड्रेस पसंद आओ ना, हमारा शूज पसंद आना चाहिए, है ना रे बेटा, हमको शूज का बड़ा क्रेज है। तो अभी मैं जा रही हूँ, और पता है कि आज क्या हो गया, मैंने शिरखुरमा तो बनाई थी 2 लीटर का, लेकिन 1 लीटर दूध लाई थी है ना, पूरा के पूरा 1 लीटर दूध मेरा खराब हो गया। पता नहीं कैसे इतनी गर्मी पड़ी है ना आज के दिन में, तो मेरा पूरा जो है ना दूध खराब हो गया। तो अभी मुझे आकर वो सब क्लीन वगैरह करना पड़ेगा। तो चलो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर डिनर के लिए, तो आप लोग मैं भाई मिलती हूँ, ठीक है, बाय बाय। तो
फ्रेंड्स हम लोग गए थे होटल में और सब बंद था यहाँ पर आज, तो इतना बुरा पोपट हो गया ना हम लोग का, कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ एक बिरयानी वाला जो है ना चालू था, तो उसी के पास से अभी हम जस्ट बिरयानी लेकर घर पर आए, तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। हम लोग भी सोचे थे क्या अभी जो नया वाला होटल खुला है जो हम लोग 4-5 दिन पहले गए थे वहाँ पर, तो 4-5 दिन पहले गए थे ना वहाँ पर, बैठने का सिस्टम वगैरह इतना अच्छा था ना, जो सिटिंग अरेंजमेंट थी और जो फूड था वो भी अच्छा था और एकदम रिजनेबल रेट में था, तो हम लोग उसके लिए गए थे। वो बंद था, उसके आजू बाजू में भी इतने सारे जहाँ पर हमेशा खाते वो भी सब बंद था शायद ईद की वजह से, तो इसलिए फिर हम लोग ने पार्सल लिए और आ गए। तो अभी मैं कर रही हूँ चेंज, और चेंज करने के बाद फिर मैं खाना खा के, तो आप लोग अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स ये ईद का सेकंड डे है और यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं मेरी जो कज़िन सिस्टर है उसके घर पे, जो कसारे के पास रहती है मतलब खड़ी में, तो यहाँ पर उसके लिए हम लोग ले रहे हैं स्वीट और फिर उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे ट्रेन में। तो ट्रेन से जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी नज़दीक होता है ट्रेन से, और हम लोग तीनों भी है आज, इन्होंने भी छुट्टी ली है क्योंकि बासित दे, और उसके बाद से पता नहीं फिर अभी उनको भी टाइम मिलेगा कि नहीं। तो पहले हम लोग बाहर जाने वाले थे, फिर जब रात में कल मेरी उससे बात हुई तो वो बोली कि आना घर पर, बहुत साल हो गए तो आई नहीं, तो फिर मैंने भी डिसाइड किया कि कहीं बाहर जाने से अच्छा है कि मैं जो है उसी के घर पे चले जाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है जाने का, क्योंकि बच्चे लोग भी बहुत दिनों से बोलते हैं कि खाला आप आते नहीं हो, तो आज फाइनली हम लोग तीनों भी जा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत दिनों के बाद इतने दूर का ट्रैवल हम लोग कर रहे थे, तो बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह हम लोग ने यहाँ पर खिंचाए। वालेकुम फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हम लोग आए थे दोपहर में, कहाँ पे आए थे हम लोग, तशफीन की दर, आप लोग को याद है ये तशफीन जिसकी हमने शॉपिंग किए थे, है ना 2 महीने हो गए ना, 2-3 महीना पहले शॉपिंग किए थे, आई थिंक दिसंबर में किए थे। हो इश्कू भी आने का, इश्कू भी आने का, ये नहीं आया था ना उस दिन, ये नहीं आया था, हेलो बोलो हाय, उसको समझ रहे ना शिफा, हाय बोलो, हाय बोलो, देखो उसको भी समझ रहा, व्लॉगिंग स्टार्ट हो गई, बोलो बाय बाय, से हाय, थैंक यू, अच्छा फ्लैंक मैं समझ रहा है लेकिन ना कुछ नया हो रहा करके। तो अभी हम लोग आए थे दोपहर से और टाइम ही नहीं मिला, गप्पे के नाद में गया ना शिफा शूटिंग का, तो अभी वो हम लोग को लेके जा रही है होटल में और यहाँ पे हम सब तैयार हो गए। देखो ये वहाँ पीछे खड़े ले है, ये देख, ये कौन है, अरकान, अरकान तेरा याद नहीं है, इसका याद है ना रे, इसके ड्रेस दिखाए थे हमने, उसके 2-3 ड्रेस दिखाए थे, है ना तश्तीन, मेरा भी दिखा, तो अभी हम लोग सब रेडी हो गए ले है और जाएंगे होटल में, तो हम सब कहाँ मिलेंगे फिर अभी डायरेक्ट होटल में, कौन सी होटल है रे, तुली होटल, तुली होटल, हाँ तो चलो बाय बोलो, अभी डायरेक्ट मिलेंगे, क्या हो गया, क्या बोल दी, बोल आ रहे हम लोग, क्या हुआ बोलो, नीचे आऊ, आती हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाना है, कहाँ है, तो हम लोग यहाँ पर आ गए अभी होटल में खाने के लिए। खाने से पहले बच्चों लोग की देखो क्या डिमांड सी, झूला खेलना है हम लोग को, दीजिएगा स्लो, अधियन का है, अधियन दिख नहीं रहा है, किसको बुलाओ, हाय करो, हाय हाय करो, हाय जल्दी करो, हाय बता जल्दी, कॉफी कर रहे थे ना, जैसा मैं फोन ले रही थी वैसा हाय हाय कर रहा था, ए देख ए देख, ए शिफा छोड़ के करने की तैयारी है, बचपन याद आ रहा है, इधर भी सही हुआ यार, बहुत मजा आएगा अभी यहाँ पे, तो अब कितना भी मुँह से पालो तुम तो हमने भी तो लगाऊंगी मैं तुम्हारा, तुम्हारे पास मौका था मेरे लिए बोल सकते थे तुम, मेरे से तो ज्यादा ऊपर नहीं जाता, अब सही आ रहा है ना, अभी तेरा डिलीट कर दूंगी, 14-15 सेकंड हो गए।
तो माशाल्लाह से बच्चों लोग को हम लोग ने बहुत ज़्यादा खिलाया और उसके बाद में यहाँ पर हम लोग आकर बैठ के खाना खाने के लिए तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। यहाँ हमको 11 बज गए थे तो फटाफट मैं वीडियो बना रही थी और जो भाईजान है वो मुँह छुपा रहे थे कि मैं उनको वीडियो नहीं बनाऊँ, लेकिन मैंने आगे जाके उनके बहुत सारे वीडियोज़ लिए और फिर थोड़े से फ़ोटोज़ खींचे जब तक हमारा खाना आया और फिर उसके बाद हम लोग ने खाना इन्जॉय किए। तो वो जो दिन था ना मतलब बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और मैं ये नेक्स्ट डे एडिट करके डाल रही हूँ क्योंकि वहाँ पर मुझे तो टाइम ही नहीं मिला एडिट करने का। और हम लोग रात में वहाँ पर रुक गए थे क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, वरना हम लोग रात में निकल जाने वाले थे। और बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से, वहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हम लोगों ने। मिला क्या? मिला मिला चिकन मिला? हाँ मिला मिला। अरे दशु अलगा क्या कर रहा है? आना है क्या चिकन मिला? नहीं मिला तुम निकालने ही नहीं थे तो मैं ही करूँ। तो खाना ही कुछ बिजी हो गया। मैं बोल रहा था तुमको अंजन कैसे है कुछ है क्यों तुम कुछ बोलेंगे? अच्छा वीडियो निकाल रहा हूँ, सबको मालूम है, मेरे ध्यान ही दूसरा नहीं है। इनकी बातें दिल पे नहीं लेने का और काम पे भी नहीं लेने का। वाह मोमो जोड़ी थी मेरे। दानियाल दानियाल क्या खा रहा है बता? क्या खा रहा है बता? क्या खा रहा है? बच्चा बेचारा बाइक कर रहे बाइक कर रहा है। अरियान तो मस्त है, बहुत लगे बहुत खेल रहा था ना अरियान, बहुत ज्यादा खेल रहा था। कश्मीर तो दिख ही नहीं रही, कश्मीर सो भी क्या? ए कश्मीर सो गई क्या? हो गया चलो खाना एंजॉय करते अभी है ना शिफा, खाना रहेगा। चलो अरकान